सिपाही भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। मेरठ के कंकड़खेड़ा से एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है। पेपर लीक केस में 300 से ज्यादा आरोपी इस समय गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब मास्टरमाइंड की हो चुकी है गिरफ्तारी। प्रयागराज का रहने वाला है ये मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, एक लंबी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही शख्स है जो कि मास्टरमाइंड है, राजीव नयन मिश्रा इसका नाम है। गिरफ्तारी इसकी कर ली गई है, प्रयागराज का रहने वाला है। मेरठ के कंकड़खेड़ा से एसटीएफ की टीम ने इसको धर दबोचा। अब तक आपने देखा कि 300 लोग बताए जा रहे हैं जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आरोपी हैं इस पूरे मामले में। जहां हजार लाखों की संख्या में परीक्षा देने पहुंचे हुए अभ्यर्थियों का मेहनत जो है वो पूरी तरह से पानी में मिला दिया पेपर लीक होने के बाद, और अब जाके इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिपाही भर्ती पेपर लीक के केस में एक बड़ा एक्शन आप कहिए। 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा कराई जानी है, उससे पहले ये बड़ा एक्शन और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी मायने रखती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वही खबर जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना आक्रोश दिखाया, और उन्होंने कहा था कि जब तक मास्टरमाइंड या फिर हर एक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं कर ली जाएगी जिसने पेपर लीक कराया है, तब तक आराम से नहीं बैठा जाएगा। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी इस खबर पर देंगे, हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है। संकेत, हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस शख्स की जो मास्टरमाइंड है राजीव नयन मिश्रा, इसकी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई क्या जानकारी आप तक पहुंची है, कहां का रहने वाला है, कौन है ये शख्स जिसने इतना बड़ा धांधली करते हुए पूरा पेपर लीक करा दिया और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी इस पेपर लीक मामले में आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाइयां लगातार उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जारी भी हैं। और इस पूरे मामले में FIR जो दर्ज की गई थी उसमें राजीव नारायण मिश्रा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। राजीव नारायण मिश्रा ये मास्टरमाइंड है इस पूरे पेपर लीक कांड का, एक प्रयागराज का रहने वाला है और इसकी नोएडा से गिरफ्तारी की गई है, एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसने गुड़गांव में एक जगह पर इसने पेपर वहाँ से ही लीक कराया था, वहीं से पेपर पढ़वाया था, और यही वो वजह है कि जो पूरी तफ्तीश हुई यूपी पुलिस की, उस तफ्तीश में राजीव नारायण मिश्रा का नाम सामने आया और राजीव नारायण को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और इसे ये प्रयागराज का रहने वाला है, ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जो पेपर लीक हुआ है और तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो युवाओं के हित के लिए पेपर दोबारा कराने के 6 महीने के भीतर निर्देश दिए गए थे और पेपर को जो ये भर्ती कैंसिल करा दी गई थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी अफसरों को निर्देश दिए थे, तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई थी उस दौरान के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस के तमाम बड़े अफसरों की, उन्होंने सीधे तौर पर इस बैठक में कहा था कि तत्काल गिरफ्तारी की जाए उन लोगों की जो इस पूरे गड़बड़ झाले में शामिल हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया है, ऐसे लोग किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे, ये आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया था। जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका खुद का क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसने राज्य का इतना बड़ा पेपर लीक करवा दिया, तो इसकी मंशा क्या थी, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या परिवार को इसके बारे में जानकारी थी कि उनका बेटा राजीव नयन मिश्रा इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल, राजीव नयन की बात अगर की जाए तो ये प्रयागराज का रहने वाला है और इसके तमाम जो उत्तर प्रदेश ही नहीं गुड़गांव और दिल्ली समेत तमाम अलग अलग जगहों पे जो कोचिंगें संचालित होती थी उसमें इसका पूरी तरीके से हस्तक्षेप रहता था और ये एक बड़ा मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस की निकला है और इसी ने बैठ के गुड़गांव से ये पूरा जो हरियाणा से ये पूरा कारोबार चलाता था अपना, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका नेटवर्क था और जो भी पेपर होते थे कहीं ना कहीं उसमें पेपर लीक मामले में ये पूरी कोशिश करता था। यही वो वजह है कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में जिसमें मुख्यमंत्री योगी
अदालत ने पहले से निर्देश दिए थे कि पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसने उसमें सेंध लगाने का काम किया और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के तेवर सख्त रहे और उन्होंने सीधे तौर पर अफसरों को निर्देश दिया और इसकी गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा से हुई है। प्रयागराज का रहने वाला है, गुड़गांव से पूरा एक कारोबार चला रहा था और इसकी जो लोग ऐसे हैं जो पहले भी पेपर लीक मामले में शामिल रहे हैं, ऐसे लोगों से इसका नेटवर्क बताया जा रहा है कि इसकी उनसे बातचीत थी। एक अंतिम में सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा, और ये पुलिस इस मामले में क्या बोल रही है, क्या ये इस मामले में अंतिम गिरफ्तारी है या फिर इसके ऊपर भी पेपर लीक कोई माफिया है? बिल्कुल, जाहिर से बात है इसे मास्टरमाइंड बताया गया है, लेकिन पुलिस पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले की, आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं इस पूरे इसके साथ में, इस पूरे रैकेट में। और यही नहीं है, दूसरे राज्यों को भी इसकी रिपोर्ट की जाएगी जहां जहां पर इसका पूरा गैंग संचालित होता है, जो लोग हैं इसके गैंग में, पूरी पड़ताल पुलिस जुटी हुई है। पड़ताल में नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।